What are articles? Articles क्या हैं? What are vowel and consonant sounds? Vowel और consonant sounds क्या हैं? The words a, an and the are articles. A, an और the articles हैं. एक article एक तरह का विशेषण है क्योंकि ये noun को qualify करता है. Noun यानि संज्ञा जो कि है किसी व्यक्ति का नाम या किसी जगह का नाम या किसी वस्तु का नाम या कोई एक आइडिया या क्वालिटी. हिंदी भाषा में कोई आर्टिकल्स का खास इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए ज्यादातर लोग आर्टिकल्स के यूज में गलतियां करते हैं. आर्टिकल्स का इस्तेमाल समझने के लिए हमें पहले वॉवल और कॉन्सनेंट साउंड्स को समझना होगा. ए, ई, I, O, U ये vowel sounds हैं. A, E, I, O, U are vowel sounds. Rest of the alphabets are consonant sounds. इसके अलावा जो alphabets बच जाते हैं वो consonant sounds बनाते हैं, जो कि है B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. इस बात का ध्यान रहे कि हम साउंड्स की बात कर रहे हैं, अक्षरों की नहीं. इसलिए हम अब वॉवल साउंड्स बोलेंगे, वॉवल नहीं. चलिए कुछ उदाहरणों के साथ इस बात को समझते हैं. उदाहरण के तौर पे पहला शब्द जो हमने यहाँ लिया है वो है यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म शब्द U से शुरू होता है लेकिन इसका जो साउंड है वो Y से माना जाता है, तो इसका शुरुआती साउंड होगा YOU plus uniform, uniform. अगला उदाहरण है अम्ब्रेला. यहाँ पर U से शुरू होने वाला शब्द शुरुआत में ऐसा लगता है कि A से शुरू हो रहा है और इसका जो उच्चारण होगा वो होगा अम, ए एम प्लस ब्रेला, अम्ब्रेला. अगला उदाहरण है ऑनेस्ट. इसकी स्पेलिंग होगी एच ओ एन ई एस टी, लेकिन यहाँ शुरुआत में ना हॉनेस्ट होगा ना ऊनेस्ट होगा, यहाँ पे शुरुआती शब्द होगा ए डब्ल्यू प्लस एन ई एस टी, ऑनेस्ट. अगला है आर. यह शब्द भी एच से शुरू होता है लेकिन न इसको होवर कहते हैं न आउर कहते हैं, इसको कहते हैं आर. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ एक शब्द के शुरुआती प्रोनंसिएशन पे ही फोकस करें, पूरे प्रोनंसिएशन पे नहीं, वो हम बाद में पढ़ सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. द वर्ड्स ए एन आर इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स because it usually leaves the person and thing spoken of as indefinite. कहने का मतलब है जब हम एक noun के आगे a और n लगाते हैं तब वो noun क्या है, कौन है, इस पर हमारा ज्यादा ध्यान नहीं होता. आपने कहानी तो सुनी होगी जिसमें शुरुआत में कहा जाता है एक राजा था. वो राजा कौन था हमें इस बात से कोई मतलब नहीं. A king could be any king. अगला उदाहरण देखते हैं. इसमें है एन एंशियंट मॉन्यूमेंट, एक प्राचीन स्मारक. वो क्या है हमें इस बात से अभी कोई मतलब नहीं है. यहाँ पर आपने ये भी देखा कि किंग के सामने ए आया और एंशियंट के सामने एन आया. अगले उदाहरण में हम तीनों आर्टिकल्स का इस्तेमाल देखेंगे. एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. यहाँ पर एप्पल के साथ में एन लगा, डे के साथ में अ लगा, डॉक्टर के साथ में द लगा. द के एग्जाम्पल के बाद हम चलिए द का इस्तेमाल भी देखते हैं. द वर्ड द इज डिफाइनाइट आर्टिकल बिकॉज इट इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग और समथिंग विच इज ऑलरेडी रिफर्ड टू. द एक डिफाइनाइट आर्टिकल है क्योंकि इसका इस्तेमाल किसी विशेष नाउन के लिए होता है या ऐसे नाउन के लिए जिसके बारे में हम पिछले संदर्भ में बोल चुके हैं.
अगर ये आपका क्लासरूम है तो ये हुआ द क्लासरूम, और ये कोई और क्लासरूम है तो ये हुआ अ क्लासरूम। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा द के इस्तेमाल के बारे में। और एग्जाम्पल लेते हैं, द बुक ऑन द टॉप इज रेड। यहाँ पर हम एक बुक की बात कर रहे हैं, सारी किताबों की नहीं, तो इसलिए हमने यूज किया द बुक। अगला उदाहरण है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। यहाँ पर द दो जगह इस्तेमाल हुआ है, द फर्स्ट मैन वो पहला व्यक्ति और दूसरा द मून, क्योंकि मून यानी चंद्रमा एक ही है। आपने शायद सुना होगा कि द और दी अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। वैसे तो आजकल आप या तो द या दी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन द हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ, जहां पर हम यूज करते हैं अ। दी हम यूज करते हैं वॉल्स के साथ में, जहां पर हम यूज करते हैं एन। अगले उदाहरण को देखकर आप ही बताइए, दिस इज द इंडियन फ्लैग या दिस इज दी इंडियन फ्लैग, इसमें से कौन सा सही है। आर्टिकल्स के कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, अ पेंगुइन इज सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। यहाँ पर अ इसलिए लगा हुआ है कि ये कौन सा पेंगुइन है हमें इस बात का पता नहीं। अगला उदाहरण है, द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। हम सभी जानते हैं लाल किले के बारे में, हमने बहुत सुना है, इसीलिए द रेड फोर्ट। अगला है, द बाइबल इज एन एपिक। आप यहाँ देखेंगे कि द बाइबल, द कुरान, द महाभारत, द रामायण, ऐसी फेमस किताबों के सामने भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। आप ये बताइए कि एपिक के सामने एन यूज क्यों किया हुआ है। इसके बाद जो उदाहरण है वो है, आई मेट अ यूरोपियन टुडे। मैं एक यूरोप देश के वासी से आज मिला। यहाँ पे यूरोप ई से शुरू होता है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे अ लगाया, एन नहीं। इसका जवाब भी आप मुझे लिख के दीजिएगा। इस वीडियो में हमने डेफिनाइट और इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि उनका इस्तेमाल कहां कहां होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।